आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूज अ एंड एंड। दोस्तों अ का यूज कहाँ करना चाहिए और एंड का यूज कहाँ करना चाहिए, इसके बारे में हम आज आपको क्लियरिफाई करके बताएंगे कि एक्चुअली में अ का यूज हमें कहाँ करना चाहिए और एंड का यूज हमें कहाँ करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको ये बता दूं कि हम अ या फिर एंड दोनों में से दोनों का यूज हम सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही करते हैं। यदि काउंटेबल नाउन नहीं है तो उसके आगे हम अ या फिर एन दोनों में से किसी का भी यूज नहीं कर सकते हैं। आप जानते होंगे शायद, मैं आपको बता दूं कि जो नाउन होते हैं वो मुख्य रूप से होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है अनकाउंटेबल नाउन और दूसरा होता है काउंटेबल नाउन। दूसरा होता है काउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे जो होता है कभी भी अ और एन का यूज नहीं किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन के आगे कभी भी अ और एन का यूज नहीं किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन मैंने जैसे बताया, बता दूंगा आपको कि हंसी की बात हो, खुशी की बात हो, जैसे लाफ हो गया है ना, जैसे सर हो गया, तो इस तरह के देखते हैं कि हंसी और खुशी कोई काम नहीं कर सकता है। जैसे वाटर हो गया, तो इसको कोई काम नहीं कर सकता है। तो इस तरह से जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी अ और एन दोनों में से किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। सिर्फ हम अ और एन दोनों आर्टिकल में से दोनों का यूज हम सिर्फ काउंटेबल नाउन के पहले ही कर सकते हैं। तो दोस्तों काउंटेबल नाउन जैसे चेयर हो गया, पेन हो गया, मार्कर हो गया, जैसे टेबल हो गया, हाउस हो गया, तो इन सब चीजों को हम जिनको काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होता है। तो जो भी काउंटेबल नाउन होता है वो काउंटेबल नाउन में सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे हम अ और एन दोनों का यूज करते हैं। तो हम बताएंगे कि अ का यूज एक्चुअली में कब करते हैं और एन का यूज कब करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि दोनों ही क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही यूज किया जाता है, चाहे अ की बात करें चाहे एन का यूज करें। बस इसकी कुछ शर्तें हैं कि हमें अ का यूज कब करना है और एन का यूज कब करना है। तो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि अ का यूज हमें कब करना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूज ऑफ अ के बारे में। दोस्तों अ का यूज हम किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कर सकते हैं, परंतु उसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण व्यंजन शब्द से हो, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। हिंदी या इंग्लिश दोनों ही जो है कि लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में, या तो हिंदी लैंग्वेज हो या तो इंग्लिश लैंग्वेज हो, दोनों लैंग्वेज में उसका प्रोनाउंसिएशन यदि व्यंजन अक्षर से होता है, प्रारंभ होता है उसका प्रोनाउंसिएशन, तो उस कंडीशन में हम अ का यूज कर सकते हैं उस सिंगुलर काउंटेबल नाम के पहले। यहाँ पे दिया है कि अ का यूज उस सिंगुलर काउंटेबल नाम के पहले किया जाता है जिनका हिंदी या अंग्रेजी में उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, व्यंजन अक्षर से प्रारंभ हो। अर्थात कि चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, दोनों ही कंडीशन में जब उसका प्रोनाउंसिएशन व्यंजन शब्द से प्रारंभ होता है, व्यंजन अक्षर से प्रारंभ होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अ का यूज करते हैं। जैसा कि कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे दिया कि अ डॉग, जैसे कुत्ते हैं तो उनको आप काउंट कर सकते हैं, अ कैट, कैट, अ बैट, अ चेयर। तो देख रहे हैं कि जितने भी वर्ड हैं यहाँ पर, चेयर, टेबल, ये बॉय, तो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, देख रहे हैं कि हिंदी में ये भी व्यंजन शब्द है और ये टी ये भी व्यंजन शब्द है, ये भी कंसोनेंट 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 है। तो ये तो अल्फाबेट जो ABCD होता है उसमें देख रहे हैं कि ये क्या है, ये कंसोनेंट लेटर है और साथ ही साथ हिंदी में भी इसका प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है वो कंसोनेंट लेटर से ही हो रहा है, व्यंजन अक्षर से ही हो रहा है, जैसे कि बैट। तो जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल हिंदी में लिखकर दिखाऊं, यहाँ पे दिया है जैसे बैट या फिर डॉग, मैं डॉग को ही लेकर चलता हूँ। तो देख रहे हैं कि इंग्लिश में फर्स्ट जो इसका लेटर है वो क्या है, कंसोनेंट है, और हिंदी में भी इसका प्रोनाउंसिएशन अगर आप करेंगे, इसको लिखेंगे बैट, तो देख रहे हैं कि जो ब है ये हिंदी में, मैं थोड़ा और बड़ा करके लिखता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, जैसे कि बैट लिखा हुआ है, तो देख रहे हैं कि ये जो ब है ये क्या है, हिंदी में व्यंजन अक्षर है, ये जो ब होता है ये हिंदी का व्यंजन अक्षर है। तो चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, दोनों ही कंडीशन में जब पहले अक्षर का प्रोनाउंसिएशन व्यंजन अक्षर से होता है तो उस कंडीशन में हम उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अ का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स नीचे भी दिए गए हैं,
जैसे दिया गया है यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट लेटर है आप कहेंगे कि नहीं इसका, इसके आगे हम आ का यूज नहीं करेंगे, एन का यूज करेंगे, क्योंकि आप ये कंसोनेंट नहीं है, ये तो वोवेल है। हालांकि यू वोवेल जरूर है, परंतु इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, वो हिंदी के व्यंजन शब्द से हो रहा है। जैसे कि अगर हम यूनिवर्स को हिंदी में लिखेंगे तो हो जाएगा यूनिवर्सिटी, ऐसे हम लिखते हैं यूनिवर्सिटी, इस तरह से हम देखते हैं। तो ये जो फर्स्ट लेटर है इसका देख रहे हैं कि यो य है, तो ये जो य होता है ये व्यंजन है हिंदी का। ये हिंदी अल्फाबेट में अगर हम बात करें तो हिंदी अल्फाबेट में जो य है यू से इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, और यरवा य जो हिंदी में होता है वो होता है व्यंजन। तो इसलिए इसके आगे हम इंग्लिश में भले ही इसका प्रोनाउंसिएशन, ये लेटर भले ही वोवेल है, परंतु इसका प्रोनाउंसिएशन हमारा जो हो रहा है वो हिंदी के व्यंजन शब्द से हो रहा है, इसलिए हम इसके आगे अ का यूज करेंगे। इट मीन्स कि चाहे व्यंजन शब्द से स्टार्ट हो, चाहे तो कंसोनेंट से स्टार्ट हो, सॉरी, चाहे तो कंसोनेंट से स्टार्ट हो, चाहे वोवेल से स्टार्ट हो, परंतु उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो हमेशा किससे होना चाहिए, वो व्यंजन लेटर से होना चाहिए। फर्स्ट लेटर स्वर से प्रारंभ होता है या फिर व्यंजन से प्रारंभ होता है, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है इसके उच्चारण से, कि इसका उच्चारण हिंदी में व्यंजन शब्द से हो रहा है कि स्वर शब्द से हो रहा है। तो इस बात का ध्यान देंगे कि चाहे ये स्वर से प्रारंभ हो, स्वर अक्षर से प्रारंभ हो, चाहे व्यंजन अक्षर से प्रारंभ हो, यदि इसका प्रोनाउंसिएशन व्यंजन शब्द से हो रहा है तो इस कंडीशन में हम इसके आगे अ का यूज करेंगे। कुछ और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे दिया गया अ यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट लेटर होगा वो यू होगा, ये यू होता है, तो ये जो यू है ये हिंदी में देख रहे हैं कि यह व्यंजन शब्द है, तो इसलिए इसके आगे भी हमें अ का यूज किया गया है। जैसे यहाँ पे यूटेंसियल है, तो यहाँ भी यूटेंसियल है, यहाँ भी यह का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, और यह जानते हैं कि नहीं फर्स्ट लेटर क्या है, यह हिंदी में व्यंजन है, तो इसलिए यहाँ भी इसके आगे हम किसका यूज किए हैं, अ का यूज किए हैं। यहाँ पे दिया है यूनियन, तो ऐसे कंडीशन में हालांकि इसका फर्स्ट लेटर वोवेल जरूर है, परंतु इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, व्यंजन लेटर से हो रहा है, इसलिए इनके आगे अ का यूज किया गया है। आई होप कि मैं जो कहना चाहता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हम अ का यूज हमेशा उसी कंडीशन में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे जिसका प्रोनाउंसिएशन चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, ये जो होगा जो प्रथम शब्द होगा उच्चारण का, जो उच्चारण हम कर रहे हैं, उच्चारण करने वाला जो पहला अक्षर होगा वो जब व्यंजन शब्द होगा तो उस कंडीशन में हम उसके आगे अ का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं हम एन के बारे में। दोस्तों एन का यूज भी मैंने बताया अभी अभी कुछ देर पहले कि नहीं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही इसका यूज किया जाता है। अ और एन दोनों का अर्थ एक समान होता है, दोनों का अर्थ होता है एक या सिंगल, तो दोनों का अर्थ एक समान होता है, दोनों का यूज एक दूसरे के स्थान पर करेंगे, परंतु कब करेंगे ये मैंने बताया अभी अभी कि एक का यूज हम तब करेंगे जब उसका उच्चारण किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण जब होगा व्यंजन शब्द से होगा तब उस कंडीशन में हम अ का यूज करेंगे। और एन का यूज हम कब करेंगे, जब किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जो फर्स्ट लेटर है, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जो फर्स्ट लेटर है उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में जब वोवेल से स्टार्ट होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे डिफिनेशन लिखी भी है कि एन का यूज हम उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं या एन का यूज उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जिनका हिंदी या अंग्रेजी में उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन स्वर अक्षर से होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि एक एलिफेंट, तो ए जो हो रहा है ये तो लिखा हुआ है, जो ई ये आप जानते हैं कि नहीं ये क्या है, वोवेल है, ये स्वर है, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन जो पहला लेटर हो रहा है एलिफेंट, इट मीन्स कि ऐसे ए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हिंदी में भी ये स्वर है और इंग्लिश में भी स्वर है, दोनों कंडीशन में स्वर से स्टार्ट हो रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन, तो इस कंडीशन में हम इसके आगे क्या यूज किए हैं, एन का यूज किए हैं। और जैसे एन आस, तो यहाँ पे आस आस अगर ऐसे लिखेंगे आस, तो इसका मतलब ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अंग्रेजी में भी जो फर्स्ट लेटर है, जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, वोवेल है, और हिंदी में भी जो फर्स्ट लेटर है वो वोवेल है, तो दोनों ही कंडीशन में चाहे हिंदी लैंग्वेज की बात करें चाहे इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, जब दोनों लैंग्वेज में
फर्स्ट लेटर, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का फर्स्ट लेटर का उच्चारण जो होगा वो स्वर शब्द से होगा, तो उस कंडीशन में हम उसके आगे एन का यूज करेंगे। और भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, जैसे ऑरेंज, ये अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला यहाँ पे फर्स्ट लेटर देख रहे हैं कि नहीं, क्या है हमारा स्वर है, इट मीन्स की व्यंजन है। एक वॉच एंड एप्पल, तो दोनों ही कंडीशन में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में फर्स्ट लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो हो रहा है हमारा वॉवेल से, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एन का यूज करते हैं। और जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि दिया है एम ए, ये कुछ डिग्रियां हैं, इनके आगे एन का यूज किया जाता है, परंतु तब किया जाता है जब इनका फर्स्ट लेटर का उच्चारण किससे होगा, स्वर शब्द से होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा तो है एम ए, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, यहाँ पे लिखा है एम ए, तो एम ए हालांकि आप जानते हैं कि नहीं, एम क्या है, ये व्यंजन शब्द है, ये इंग्लिश का कंसोनेंट शब्द है, परंतु हिंदी में जब इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे एम और ए। तो देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट लेटर है प्रोनाउंसिएशन इसका जब उच्चारण कर रहे हैं तो ए आ जा रहा है, एम ए, तो इस कंडीशन देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट लेटर है इसका उच्चारण किससे हो रहा है, ये हो रहा है हमारा वोवेल से हो रहा है, हिंदी में वोवेल से इसका उच्चारण हो रहा है। तो मैंने बताया चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, वोवेल से अगर उच्चारण हो रहा है तो उसके आगे हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो इसलिए एम ए के पहले भी यहाँ पर किया गया यूज एन का, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर का जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो हो रहा है हमारा स्वर शब्द से। और जैसे दिया कि एन एल एल बी, तो एल लिखेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो फर्स्ट हो रहा है एल एल बी हो रहा है, तो एल से हो रहा है, ए जो फर्स्ट लेटर आ रहा है वो भी यहाँ पे स्वर आ रहा है, तो इस कंडीशन में इसके आगे भी क्या किया गया है, एन का यूज किया गया। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि एस डी ओ, तो एस डी ओ लिखेंगे तो एस जो होगा, ए फर्स्ट लेटर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा स्वर हिंदी में। इस कंडीशन में भी हम क्या किए यहाँ पर, एन का यूज किए। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल है, एन एस पी, एन एस ओ, एन एस डी ओ, जितने भी वहां पे नीचे वर्ड्स लिखे गए हैं, हालांकि ये स्टार्टिंग अंग्रेजी के व्यंजन शब्द से हो रहे हैं, परंतु इसका जो उच्चारण हो रहा है वो हिंदी के स्वर शब्द से हो रहा है। तो मैंने बताया कि एन का यूज हम तब करेंगे जब चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश दोनों ही कंडीशन में उसका उच्चारण, हमें यहाँ पे वर्ड से मतलब नहीं है, हमें उच्चारण से मतलब है कि उसका उच्चारण किस शब्द से हो रहा है, किस अक्षर से हो रहा है। तो उच्चारण हमारा जब स्वर शब्द से स्टार्ट होगा तो उस कंडीशन में हम एन का यूज करेंगे, और हमारा उच्चारण किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जो उच्चारण है वो व्यंजन शब्द से स्टार्ट होगा तो हम अ का यूज करेंगे। उम्मीद है कि मैंने जो बताया अ और एन, इन दोनों का यूज आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बस इसी बात का ध्यान देना है, इसमें इंग्लिश के व्यंजन और कंसोनेंट से मतलब नहीं रखना है, आपको वोवेल और कंसोनेंट से मतलब नहीं रखना है, मतलब इस बात से रखना है कि इसका उच्चारण कैसे हो रहा है, बस इसी बात का ध्यान देना है। यदि इसका उच्चारण किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण यदि स्वर शब्द से हो रहा है तो उस कंडीशन में एन का यूज करेंगे, और यदि व्यंजक शब्द से स्टार्ट हो रहा है तो अ का यूज करेंगे। उम्मीद है कि मैंने जो रूल्स बताए हैं आपको समझ में आया होगा। मेरे द्वारा दिए गए एग्जांपल्स बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल्स हैं, इन्हें आप याद कर लेंगे। तो ये थे यूज अ और एन के बारे में जिसको मैंने अभी अभी आपको बताया। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।